हम में से अधिकतर लोगों को आज भी फाउंडेशन लगाना नहीं आता और ये उनके लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी होती है। लेकिन आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे हैक ट्राई करेंगे कि जिससे कि आपको फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपका मेकअप बिल्कुल फ्लॉलेस दिखेगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम सबके साथ कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें कहीं जाना है और हमारी स्किन बिल्कुल डल लग रही होती है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक हैक करना होता है सिंपल। फाउंडेशन लगाने की भी कोई नीड नहीं है, बिना फाउंडेशन के ही हम बहुत अच्छा मेकअप करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट हैक होता है वो है कि सबसे पहले हमें अपनी जो हम डेली फेस क्रीम लगाते हैं सिंपल वही ले लेनी है, और उसके साथ हमें चाहिए कंसीलर। अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो प्लीज़ कंसीलर में इन्वेस्ट कीजिए, बहुत हैक में आपके काम आने वाला है ये। तो सिंपल हमें अपनी डे क्रीम ले लेनी है, जो भी आप यूज़ करते हैं, लैक्मे, पॉन्ड्स, ओले, जो भी आप यूज़ करते हैं, और सिंपल आपको उसमें थोड़ा सा कंसीलर मिलाना होता है लाइक दिस। आप चाहें तो अपने फिंगर से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं, बट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। और अब आप देखिए कि आपकी स्किन कितनी फ्लॉलेस लगेगी बिना फाउंडेशन लगाए ही। आराम से किसी भी फंक्शन में जाइए, आराम से अटेंड कीजिए, बहुत अच्छा ये हैक होता है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। अब चलते हैं हमारे सेकेंड हैक की तरफ। वो होता है अगर हमें फाउंडेशन नहीं लगाना है बट हमें किसी फंक्शन में जाना है, तो आप बीबी या सीसी क्रीम जो भी आपकी स्किन के ऊपर जाती है वो ट्राई कीजिए। बीबी या स्किन जो सीसी क्रीम होती है वो भी मिनी फाउंडेशन का काम करती है। इसको भी आपको अपनी स्किन के ऊपर डैप डैप करके लगाना होता है, और आप चाहें तो फिंगर से इसको ब्लेंड कीजिए या फिर आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकती हैं। तो थर्ड हैक हमारा है ड्राई स्किन वालों के लिए। ऑब्वियसली विंटर्स में सबकी स्किन ड्राई हो जाती है, बट कुछ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है और वो इसी डर से फाउंडेशन भी नहीं लगाते कि उनके पोर्सेस में फाउंडेशन फंस जाता है, जो बहुत गंदा लगता है। बट अगर आपको फाउंडेशन लगाना है और आपकी ड्राई स्किन है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी मैचिंग शेड का कोई भी फाउंडेशन ले लेना है, जो भी आप यूज़ करते हैं, मेबलिन, हुडा, लैक्मे, जो भी आप लेना चाहें ले लें। उसके बाद आपको किसी भी ब्रांड का फेशियल ऑयल ले लेना है, या फिर फेशियल सीरम भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि अगर ये वाला हैक आप ट्राई करोगे तो आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं रहेगी। तो जितनी स्किन आपकी ड्राई होती है उसी अकॉर्डिंग आप फेशियल सीरम का यूज़ कर सकते हैं।
बहुत ही फ्लॉलेस और बिल्कुल ही अच्छा मेकअप इससे आएगा। एक बार आप ये हैक ट्राई कीजिए। चलते हैं हमारे फोर्थ हैक की तरफ, जो है ऑयली स्किन वालों के लिए। कुछ लोगों की स्किन इतनी ऑयली होती है कि विंटर्स में भी उनको ऑयली स्किन की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, तो उसके लिए एक सिंपल हैक, सेम ऐसे ही आपको अपनी स्किन के शेड वाला फाउंडेशन ले लेना है। जो भी फाउंडेशन आप यूज़ करते हैं, किसी भी ब्रांड का हो, बट अपनी स्किन के शेड का हो, बिल्कुल मैचिंग का हो। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो हमने फाउंडेशन लिया है उसमें हमने कोई भी लूज़ पाउडर, बनाना पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर, वो उसमें ऐड करना है। अच्छा रहेगा कि अगर आप बनाना पाउडर यूज़ करें। अगर आपके पास बनाना पाउडर नहीं है तो आप उसमें कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों को अच्छे से मिक्स कीजिए और अपने फेस पे अपने फिंगर की हेल्प से उसको लगाइए और ब्यूटी ब्लेंडर के साथ उसको अच्छे से ब्लेंड कीजिए। आप देखेंगे कि बिल्कुल भी आपका फेस ऑयली नहीं लगेगा। और एक ये हैक आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, फिर आके मुझे कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। अगर आप लोगों को वीडियोज पसंद आती है तो गाइस प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही वीडियोज़ के लिए।